पहले मैं आपको रिवीजन करवा रही थी क्योंकि हमारे एग्जाम थे, कल आपका ईवीएस का एग्जाम पर्यावरण अध्ययन का एग्जाम हो चुका है, तो अब हम रिवीजन यहीं पर स्टॉप करते हैं और आगे से वापस से जो हमारी स्टडीज जहाँ पर चल रही थी वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम में आपके पार्ट एक दो तीन तो आ चुका, ठीक है, पार्ट एक दो तीन आ चुका, चार और पाँच वो हम कर चुके कम्प्लीट, तो और पार्ट छः जो था बीज बना पौधा ही हमारा चल रहा था, तो छः सात दिनों के रिवीजन में मुझे लगता है कि आप इस चैप्टर को भूल गए होंगे थोड़ा, तो आज हम इस चैप्टर को एक रिमाइंड कर लेंगे वापस से इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट छः जो है बीज बना पौधा, बीज बना पौधा नाम से भी आप जान सकते हो कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद आया? इस चैप्टर में पढ़ा हमने कि जो पौधे होते हैं उन पौधों से नया पौधा बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, बीज। बीज को अगर हम पानी देंगे, सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा, हवा उसको मिलेगी और हम उसको मिट्टी उसको मिलेगी, तो वो जो बीज है थोड़े दिनों में एक छोटे से पौधे का रूप ले लेता है और ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर के पूरा पेड़ बन जाता है। तो जो नया पौधा बनने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बीज की। बीज से नए पौधे बनते हैं, लेकिन बीज से नया पौधा बनने के लिए बीज को किस किस चीज़ों की जरूरत है, बीज से नया पौधा बनने के लिए बीज को हवा, हवा की जरूरत है, पानी, पानी की जरूरत है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये दो तीनों चीजें जब पौधे को बीज को मिलती है तो उससे नया पौधा, बीज में से नया पौधा निकल आता है। ये चैप्टर में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वापस से शुरू करते हैं। पेज नंबर है 28, बीज बना पौधा। इसमें आपने अभी बारिश का टाइम चला गया, आप देखिएगा जो भी पौधे होते हैं हमारे आसपास बाहर उनमें बीज होते हैं, वो बीज नीचे गिरते हैं और जब बारिश के मौसम में उसको पानी मिलता है, सूर्य का प्रकाश तो मिल रही होता है, धूप तो मिल रही होती है, साथ में जब बारिश के मौसम में उन बीजों को पानी मिलता है तो पेड़ के नीचे छोटे 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 बहुत सारे पौधे निकले हुए आपने देखे होंगे। तो छोटे छोटे पौधे किससे निकले, वो निकले उस पौधे से, उस पेड़ से गिरे हुए बीजों से, उस पेड़ से जो बीज गिरे उनसे वो छोटे छोटे नए पौधे निकल आए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर बीजों को अंकुरित किया जाता है, हम लोग खाते हैं ना स्प्राउट्स बना के, या फिर बचवारस के टाइम में देखा होगा आपने कि मम्मी क्या है चना मोठ जो होती है उसको भिगा देती है, फिर गीले कपड़े में बांध देती है, दो एक दिन बाद में जब हम देखते हैं तो उन दाल के बीजों में से, चने में से क्या होते हैं, अंकुर निकल आते हैं, छोटा छोटा सफ़ेद सा धागा आपको निकला हुआ देखिएगा बाहर की तरफ, वो क्या होता है, वो उस बीज का क्या होता है, अंकुर होता है। क्या होता है, उसे कहते हैं अंकुर। और इस अंकुर ही धीरे धीरे बड़ा होकर के पौधे का रूप लेता है, देखा है ना आपने। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नवरात्रि का जो टाइम होता है, नवरात्रि का टाइम होता है तो क्या करते हैं, मिट्टी के छोटे से बर्तन के अंदर जौ के पौधे उगाए जाते हैं ना, जौ के बीज लाते हैं और उसको पानी देते हैं डेली, तो 9 दिन के नवरात्रि में आप देखिए कि वो पौधे बीजों से पौधे निकलाते हैं छोटे छोटे और वो पौधे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे उनको पानी, हवा और सूर्य का धूप जो है, सूर्य का प्रकाश है वो मिलता जाता है, तो वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से बीज में से बीज जो होता है उससे अंकुर निकलता है और ये अंकुर ही धीरे धीरे बड़ा होकर के पौधे का रूप ले लेता है, एक बड़ा पौधा बन जाता है, ठीक है। लेकिन नया पौधा जरूरी नहीं है कि बीजों से, ज़्यादातर पौधे तो बीज से ही बनते हैं, पौधे बन बीज से ही नए पौधे तैयार होते हैं, बीज से ही नए पौधे तैयार होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें बीज से नए पौधे नहीं होते, जैसे गुलाब जो है, गुलाब का जो पौधा है आपने देखा उसकी छोटी सी आप टहनी काटेंगे है ना, और उसको आप मिट्टी में उगा देंगे, उसको पानी देंगे, धूप देंगे, सब कुछ मिलेगा, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि उस टहनी में से ही कोपल निकल आई, नहीं हमको निकला है, नए पौधे निकल आता है उसमें से, पौधे में से, इसमें से। तो इसके अंदर नया पौधा बना गुलाब का, लेकिन किससे बना, टहनी से, तने से, उसकी टहनी या तने से नया पौधा बन जाता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा हमारे आसपास में जो पुदीना होता है, पुदीना जिसको हम ग्रीन चटनी भी खाते हैं, पुदीना, पुदीने में क्या होता है, बहुत सारे पुदीना हर्ब है, छोटा बहुत छोटा पौधा होता है, अगर उसको आपको नया
आम बीज से उगता है, आम वगैरह जो है टहनी गुलाब से, टहनी टहनी से गुलाब का पौधा बन जाता है। पुदीना जो है उसके लिए पौधे का कौन सा नया पौधा उगाने के लिए कौन सा भाग यूज किया हमने, जड़। ये पुदीने के लिए हमने जड़ का उपयोग करते हैं। तो जरूरी है बीज से ही नया पौधा बनता है, नया पौधा बनने के लिए टहनी का प्रयोग भी किया जाता है कुछ पौधों में, कुछ पौधों की जड़ द्वारा भी नया पौधा उगाया जा सकता है। इसके अलावा पत्थर चट्टा एक पौधा होता है, उसकी जो पत्ती होती है ना उसके किनारों में ही नए पौधे उगे रहते हैं, किनारों पर छोटे छोटे नए पौधे उगे रहते हैं, उन पौधों को आप निकालेंगे और दूसरी जगह उगाएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो पत्ती से भी, पत्तियों द्वारा भी नया पौधे को उगाया जा सकता है। तो पौधे किस किस नया पौधा तैयार करने के लिए पौधे के कौन कौन से भागों का प्रयोग कर सकते हैं, बीज का प्रयोग कर सकते हैं, टहनी से नया पौधा हो सकता है, जड़ से हो सकता है, पत्तियों से हो सकता है। तो पौधे के इन भागों से नया पौधा बनाया जा सकता है, नया पौधा उगाया जा सकता है। समझ में आ गया। अब इसके आगे इस चैप्टर में दो टॉपिक्स और हैं भी, बीजों का इधर उधर फैलाव और विदेशों से आए हुए पौधे। ये दो टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके कल अभी एक एग्जाम और बाकी है ना, तो आपको उसकी तैयारी भी करनी है। तो कल आप उस पेपर की तैयारी कीजिए, उसको अच्छे से दीजिए, उसके बाद में आपके एग्जाम फिनिश हो जाएगी।